चले गाइस हाउ आर यू ऑल टुडे आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन सो वी आर विद आ लेक्चर नंबर थ्री ऑफ कॉस्ट शीट ना अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया है अपना जो फर्स्ट टॉपिक था देट वॉज ऑल अबाउट कि हाउ इज फाइनेंशियल अकाउंट्स डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स वी डिड ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपना जो सेकंड पार्ट था वॉट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट अभी यही टाइप्स ऑफ कॉस्ट मिलाकर हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर के अंदर कॉस्ट शीट बना लिया ट का हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया इंटरप्रिटेशन मतलब बेसिकली टू टू थिंग्स थिंग्स कि स्टॉक कैसे वैल्यू होता है रॉ मटीरियल डब्ल्यू आई गुड्स एंड लास्टली इन दिस केस एवरी एक्सपेंस इज डिपेंडेड अपॉन वट क्वांटिटी तो हमारे पास टोटल वाला कॉलम होता है कॉस्टशीट के अंदर पर यूनिट वाला कॉलम भी होता है अपने पास तो टोटल से पर यूनिट कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को कोई ना कोई क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा तो कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करने का तो इन दैट केस वी ऑल हैव डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिस फैक्ट्री ओवर ऑल ऑफ देम विल गेट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ डब्ल्यू आईपी ठीक है तुम्हारी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक हर एक चीज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ डब्लू आईपी से डिवाइड होगा ठीक है उसके बाद तुम्हारा डब्लूआईपी स्टॉक एडजस्ट हो जाता है उसके बाद तुम्हारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है और फिर वो वाले एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस भी आते हैं विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री और उसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो यस्ट शीट इज बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम योर नेट फैक्ट्री कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां पर एवरीथिंग इज डिपेंडेड अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड उसके बाद फिर तुम्हारा फिनिश गुड स्टॉक एडजस्ट हो जाता है एंड देन स्टार्टअर लास्ट पार्ट ऑफ कॉस्टीट इस लास्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर एवरी थिंग फ्रॉम सीओजीएस टिल एंड इज डन एवरीथिंग फ्रॉम सीओजीएस टिल एंड इज डन सो एवरीथिंग फ्रॉम सी ओजीएस टिल एंड विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट अपॉन क्वान्टिटी सोल्ड ठीक है ये हो गया वो चीज जो मैंने आपको सिखाया ठीक है इससे पहले आप लोगों ने ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंट्स को करके रखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट्स को आप लोग इलेवेंथ स्टैंडर्ड से करते हो सो लेट स्टार्ट टू स्टडी क्योंकि तुम्हारे दिमाग में शायद सेकेंड लेक्चर देखने के बाद एक डाउट आ रहेगा सर जो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स के ना करते हैं वो भी तो यही होता है इट्स ओनली दैट इट इज देर इन अ टी फॉर्म और आपने स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर दिया तो सर वो और ये सेम है क्या सेम नहीं है काफी फर्क है ओके okay. तो लेट अस स्टार्ट लेटस विद दिस ठीक है बिफोर आई डू दिस एक छोटा सा चीज याद रखना एक्चुअली वो छोटा नहीं है बहुत बड़ा चीज है सॉरी वो एक बड़ा सा चीज याद रखना मैंने तुम लोगों को क्वेश्चित के अंदर तीन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस सिखाई तीन टाइप्स तीन टाइप ऑफ ओवरहेड सिखाई सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग ब्लाब्ला उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री सेकेंड वाला और उसके बाद थर्ड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठा एक के नीचे एक ही आते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर बाइफरकेशन थोड़ा सा अलग टाइप का होता है पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स देखते हैं और फिर उसके बाद तुमको खुद ब खुद स्ट्राइक हो जाएगा ओके लेट स्टार्ट तो दिस इज योर पार्ट टू दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट्स कॉस्ट अकाउंट्स तो तुम लोग को आता है तो जब भी आप लोग इलेवेंथ स्टैंडर्ड से लेकर आज तक कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बात करते थे तब तब तुम लोग बेसिकली क्या बना लेते थे यू यूज टू बी मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड पी एन अकाउंट बस मैंने एक्सैक्टली exactly वही वाला चीज अपने सामने रखा हुआ है तो आज तक तुम लोग को किसी ने भी पढ़ाया ओके okay, कोई भी टीचर ने पढ़ा रहेगा वो लोग तुमको मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग या पी एन अकाउंट एग्जैक्टली ऐसे ही बनवाते होंगे ठीक है एक बार पढ़ देता हूं इन दी बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पी एन एन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ठीक है क्या क्या है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी ओके उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है उसके बाद डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी एक चीज मैंने यहां पे एक कोई सिंबल बनाया

उसके बाद ऑफ सीसीटीवी कैमरा तो वो भी आ जाएगा इधर बेसिकली ऑल दो स्टार्टिंग टू कम ओवर हियर ठीक है अच्छा उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी विल बी कमिंग ओवर हियर ओके ये एक चीज़ है ये इसका जो क्रॉस है तो वो इधर आ गया अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर आता था इस बैलेंसिंग फिगर को बहुत लोग बहुत नामों से मेरे ख्याल से तो वो जानते होंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल लो उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बोल लो

और उसके बाद तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज कैरी डाउन ये जीपी यहां पर आ जाएगा उसके बाद तुम्हारे दो एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेट्स मतलब जिसको हम लोग कॉस्टिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं मतलब तुम्हारे ऑफिस के खर्चे और उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट ठीक है उसके बाद दो चीजें जो कॉस्टशीट के अंदर नहीं आता हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा कौन सी दो चीजें फाइनेंशियल एक्सपेंसिस फाइनेंशियल इंकम्स ये दोनों चीजें कॉस्टिंग के अंदर तो नहीं आता है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर तो आएगा फाइनेंशियल इनकम्स एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसिस एंड दिस विल बी गिविंग यू नाइट प्रॉफिट ओके अभी मेरे को क्या जानना है कि ना इज प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट सेम क्या ये वाला प्रॉफिट तुम्हारी कॉस्टशीट के प्रॉफिट से कभी भी मैच होगा आंसर इज नो इफ आया क्यों मैच नहीं होगा ओके तो यू ऑल कैन रिप्लाई सर इधर फाइनेंशियल इनकम्स आता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आता है सर वहां पर तो नहीं आता चलो वो एक छोटा मोटा रीजन वो हो गया वो करेक्ट है लेकिन वो एक छोटा मोटा रीजन हो गया ठीक है लेकिन इसके अलावा भी इसके अलावा भी और रीजन तो हैं यार अभी वो रीजन तुम लोग को तब पता चलेंगे वेन 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 आई ट्राई टू ब्रिंग आउट एग्जैक्टली द सेम कंक्लूजन जो हम लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर निकाला एग्जैक्टली द सेम रीजन ठीक है तो हम लोग बस वही वाला काम कर लेते हैं जो कल हम लोगों ने कौशिट के अंदर किया था ठीक है माइंड यू यहां पर जरा देखना पूरा का पूरा, पूरा कौश तुम्हारे सामने ही है क्या तुम लोगों ने किधर भी वो वाला हेड देखा क्या इधर वो वाला हेड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑफ द फैक्ट्री हम लोगों ने ऐसा कोई हेड नहीं देखा क्योंकि वो वाला चीज फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आ जाता है ठीक है यहां पे वो वाला कुछ अलग से हेड नहीं होता जो कॉस्टिंग के अंदर होता है ठीक है तो वो वाला हेड इसी के अंदर आ गया तो यहां पर एक सिंबल है फैक्ट्री ओवर हेड्स ओके वहां पर ये वाला जो सिंबल है वो नीचे भी है यहां पर देखो मैंने एक नोट ऑलरेडी प्रिंट करके रखा हुआ है डू नोट दैट इन फाइनेंशियल अकाउंट देर इज नो हेड लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन मतलब वही वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फैक्ट्री इट इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवर तो वहां पर कोई ऐसा अजीब गरीब मतलब लाइक यू you नो know, वो, यह, वो यहां पर कोई ऐसा अलग से कोई हेड नहीं होता इट इज फैक्ट्री ओवर से काफी चीजें चेंज हो जाती हैं ठीक है अभी एक और चीज अभी ये मेरे को कल बोलना था लेकिन मैंने जानबूझ के वो नहीं बोला ताकि मैंने से here तुम लोग को ये वाली चीज जो है रिलेट होगी ठीक है अभी ध्यान से सुनना रॉ मटीरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ठीक है वेदर इट इज कॉस्ट अकाउंट और इट इज फाइनेंशियल अकाउंट ठीक है कल भी मैंने एक चीज वो बोला कोई ऐसा सोच सकता था सर इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लोअर ये वाला फंडा एक तो अप्लाई होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू की वजह से या रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू या इंडेस टू आल्सो ओके जिन लोगों को इंडेस क्या होता है तो वो मालूम है ठीक है लेकिन याद रखना इंडे एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली अप्लाई टू फाइनेंशियल अप्लाई टू कॉस्ट तो कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट नाउ द फैक्ट इवन अंडर फाइनेंशियल अकाउंट्स रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली इट कैन नॉट बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस क्योंकि रॉ मटेरियल हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीदते तो दोनों केसेस के अंदर रॉ मटेरियल स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट इवन डब्ल्यू आई पी स्टॉक अंडर बोथ द अकाउंट्स दैट इज योर कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स इज ऑलवेज वैल्यूडेड कॉस्ट ओनली बेटा तुमने आधा पेन बनाया उसका मार्केट प्राइस मैं किधर से लेकर आऊं वो आधा पेन थोड़ी बिक सकता है ओके okay. हाँ ओनली फॉर फिनिश गुड्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स देर इज वन ऑप्शन इट कैन भी वैल्यूडेड कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर ठीक है लेकिन याद रखना ये वाला चीज जो है ये किसने बोला है ये बोला है फाइनेंशियल अकाउंट्स ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोला है ओके okay. लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डू नॉट अप्लाई टू कॉस्टिंग सब्जेक्ट तो जब मैंने तुमको कॉस्टिंग जब मैंने तुम लोग को सिखाया तो फिनिश गुड स्टॉक हमेशा एक ही चीज तुम लोग को बोला फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस सॉरी फिनिश गुड स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट कॉस्ट का मतलब हम लोगों ने सोच लिया था कि क्या क्या कॉस्ट वगैरह आना चाहिए ठीक है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर फिनिश गुड स्टॉक के लिए ही सिर्फ एक ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन क्या होता है फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर ठीक है ये एक चीज याद रखना एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट नो डब्ल्यू आई पी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट नो फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट नो कॉस्ट का मतलब क्या जैसे हम लोगों ने कल किया था हम लोगों ने कॉस्टशीट के अंदर क्या किया रॉ मटेरियल स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट कॉस्ट का मतलब परचेज कॉस्ट सर डब्ल्यू आई पी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट

ये वाला चीज तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहिए एंड दिस थिंग इज क्रक्स ऑफ अकाउंट्स आल्सो एंड कॉस्टिंग आल्सो ओके इसके बाद यू विल बी फार मोर एडवांस देन ऑल ऑफ योर हु हैव टॉट यू टिल नाउ ठीक है बराबर से सुनना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड देख सबसे पहले आ गया इधर रॉ मटेरियल ऑब्वियसली आई एम इंटरेस्ट इन रॉ मटीरियल कंज्यूम रॉ मटीरियल मतलब डायरेक्ट मटीरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल एड परचेज इज लेस क्लोजिंग स्टॉक ठीक है दैट विल गिव यू रॉ मटीरियल कंस्यूम्ड चलो फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक काम अभी ही खत्म कर लेते हैं दैट इज वॉट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल विल गेट वैल्यू डेट कॉस्ट कॉस्ट का मतलब इसके ऊपर देख लो इसके ऊपर बेटा कौन सा कॉस्ट लिखा हुआ है परचेज कॉस्ट सो लाइक कॉस्ट अकाउंट इवन फाइनेंशियल अकाउंट इज ऑलवेज वैल्यूड

स्टॉक विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट विच कॉस्ट यार परचेज कॉस्ट ठीक है यहां पे लिख के रखना परचेज कॉस्ट ठीक है चलो ये वाला काम हो गया अभी पिछले पेज पे चलते हैं फिर से कॉस्टशीट के लिए ठीक है उसके बाद आ गया बराबर से सुनो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री ठीक है लेकिन ये फैक्ट्री ओवरहेड्स और वो फैक्ट्री ना फर्क है आई गेस यू ऑल आर अवेयर ना उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी आएगा उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी आ जाएगा ठीक है नाउ 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 दिस थिंग यू ऑल ट्राई टू इमेजिन अगर अगर मैं इसी को, अगर मैं इसी इसी चीज चीज को को स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूंगा स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर ठीक है तो जरा सोचना मेरा स्टेटमेंट कैसे होगा जो मैंने अभी तक किया ठीक है दिस आई एम डूइंग ताकि आप लोगों ना उसका मतलब पता चल जाए बराबर से सुनो देख डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड कॉस्टिंग के अंदर भी वो ही आता है एट डायरेक्ट वेजेस एट डायरेक्ट एक्सपेंसिस तीनों का टोटल क्या हो जाएगा प्राइम कॉस्ट ठीक है ये तीनों का टोटल क्या हो जाएगा प्राइम कॉस्ट एड फैक्ट्री ओवरेट ऑल्दो ये फैक्ट्री ओवरेट्स और वो फैक्ट्री ओवरेट्स के ना थोड़ा सा फर्क है दैट यू ऑल रियलाइज ठीक है उसके बाद आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तो अगर मैं ये चारों का टोटल करूं ये चारों का अगर मैंने टोटल किया तो ये चारों का जो टोटल है इन दिस केस एक सेकेंड अगर मैं ये चारों का टोटल कर लेता हूं इन चारों का टोटल विल बी नथिंग बट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ठीक है उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी ठीक है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी जो क्रेडिट साइड पे अगर क्रेडिट साइड पे मतलब मैं लेस ही कर रहा हूं ना तो तुम लोग को बेसिकली ये वाला टर्म मिल जाएगा दैट इज नथिंग बट नेट फैक्ट्री कॉस्ट ठीक है हम लोग यहां पर उसको सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट ही बोल देते हैं ठीक है अब बराबर से जरा सुनो सेकेंड चीज ये आ गया तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी जो क्रेडिट साइड पे है मतलब कोई बोलेगा सर ऊपर देख लो बराबर है अभी ऊपर मत देखो ऊपर इधर कुछ है ही नहीं क्योंकि स्टेटमेंट टी फॉर्मेट है ठीक है तो अगर ये टी फॉर्मेट है तो अब मैं तुम लोग को उल्टा वो बोलता हूं तो उल्टा मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्लू आईपी विल गेट वैल्यूडेट कॉस्ट कॉस्ट का मतलब डेबिट साइड पे देख लो बेटा जो भी डेबिट साइड पे है दैट विल फ्लो ऑन द क्रेडिट साइड नो तो डेबिट साइड पे अब जरा देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ विल गेट वेट वैल्यूडेट कॉस्ट कॉस्ट का मतलब डेबिट साइड पे देख लो देख लो अभी डेबिट साइड पे कितने टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं अभी अपने मन के अंदर नाम बोलना स्टार्ट करो डायरेक्ट मटीरियल आगे बोलो डायरेक्ट लेबर आगे बोलो डायरेक्ट एक्सपेंसिस और आगे बोलो फैक्ट्री ओवरेज सो डब्ल्यू आई पी स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूडेट कॉस्ट कॉस्ट के अंदर कौन से चार खर्चे आ जाएंगे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवर आप लोग नेक्स्ट पेज पे जरा चलो डब्ल्यू आई पी स्टॉक आगे लिख के रखना डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवर और याद रखना यही चीज हम लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर भी लिखा था लेकिन फर्क है फर्क क्या है वहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब और यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब अलग है ओके वहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर वो वाला चीज एक्सक्लूडिंग हो जाता है लेकिन फाइनेंशियल के कहना ऐसा कोई नहीं है आगे चल पड़ते हैं नाउ ध्यान से अभी जरा सुनो आगे इन दिस केस नो बराबर से यह सुनते रहना अभी जो मैं तुम लोग को बोल रहा हूं ये वाला काम तुम्हारा हो गया जब तुम्हारा ये वाला काम हो जाता है इसके बाद अब जरा सोचो ये वाली फिगर इधर आई ठीक है अभी बिफोर आई प्रोसीड फर्दर मैं ना सेकेंड वाले कंक्लूजन भी स्टार्ट कर लेता हूं देखो अभी एक चीज जरा सोचना ठीक है एक चीज जरा सोचना बराबर से सुनना देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवर इट ऑल दीज आर योर कॉस्ट ऑल दीज आर योर कॉस्ट फॉर डूइंग वॉट ये वाले खर्चे करके तूने किया क्या जैसे हम लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर लिखा था सेम चीज अभी यहां पर भी लिख रहा हूं उससे पहले एक चीज जरा सोचो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री ठीक है उसके बाद आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी तो क्या आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट ये वाला टर्म बेटा नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही है और ये वाला नेट फैक्ट्री कॉस्ट यहां से किधर चला जाएगा तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ऑब्वियसली जो भी यहां पर गया दिस इज ओनली कॉस्ट ऑफ सब लोग मेरे को बोलो दिस इज ओनली कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्योंकि डब्ल्यू स्टॉक के ऊपर जो भी खर्चा किया था वो तो इधर अटक गया ना यार अपना ओके okay. सो देअर इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला जो कॉस्ट है दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट अगर लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो ऑब्वियसली दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड ओनी ओके okay. क्योंकि जो भी डब्ल्यू आईपी के ऊपर खर्चा किया था वो तो हम लोगों ने यहां पर क्रेडिट साइड पर डाल दिया क्रेडिट साइड मतलब ये हम लोगों ने लेस कर दिया ओके okay. अब जरा सुनना एवरीथिंग विल स्टार्ट टू मेक सेंस नाउ एवरीथिंग विल गेट स्टार्ट कनेक्टेड टू ईच अदर ठीक है सुनो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस या आप लोग उसको डायरेक्ट लेबर भी बोल सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंसिस का कॉस्ट है एंड फॉर मेकिंग डब्ल्यू आईपी सो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिज एंड फैक्ट्री ओवर एस आर इनकर्ड फॉर टू थिंग्स विच टू थिंग्स बेटा आर प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस डब्लू ठीक है तो मैं यहां पर नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं एंड आई एम राइटिंग पॉइंट नंबर टू एक्सपेंसिस एवरी एक्सपेंस इज डिपेंडेड अपॉन विच क्वांटिटी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री ओवर लिखिए इधर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ डब्ल्यू ठीक है प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वानिटी प्रोड्यूस डब्ल्यू WIP, ठीक है ये ये अपना जो काम है, ये हो गया। अभी अभी ऊपर चलते हैं वापस, देख। अभी तुम्हारा things have started to take some shape, देख। तुम्हारा तक तू खर्चे लिख रहा था ये तेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट याद रखना बेसिकली टॉक्स ऑफ तू क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? सर हम लोग फिनिश गुड्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं आगे बोलो हम लोग डब्ल्यू भी तो मैन्युफैक्चर करते हैं ना यार आधा यूनिट बनाया मतलब आधा यूनिट ही किया ना तो ये सारे खर्चेट फॉर मेकिंग अकाउंट जो है वो ऊपर छूट गया और अभी स्टार्ट हो ट्रेडिंग ट्रेडिंग अंदर खुद ब खुद जरा वो सोचो ना अभी दो मिनट पहले भी बोला वॉट डू यू ट्रेड ट्रेड मतलब sell? Sell तो अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स उसके बाद जो ऊपर से यहां पर टर्म आया फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड दिस इज योर सेल्स ऑब्वियस योर बैलेंसिंग फिगर ओवर हियर इज ग्रॉस प्रॉफिट अभी खुद ब खुद जरा सोचो ऑल दो यहां पर दिखाई नहीं देता लेकिन शायद तुम लोग को समझ में आ जाएगा इतना गुड्स प्रोड्यूस किया इतना फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया ये उसका कॉस्ट है ठीक है ये उसका कॉस्ट है ठीक है अगर सेम एग्जांपल दूं जो मैंने तुम लोग को शायद कल दिया था ओके फॉर क्वेश्चिट मैंने 50 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया ये उसका कॉस्ट है ठीक है उसके बाद यहां पर सपोज मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दस यूनिट का और था सो दे प्लस टू फिफ्टी प्लस टेन हो जाता है सिक्सटी सपोज मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक एट यूनिट्स का है ठीक है तो अगर मैं इसको इसको और इसको सेट ऑफ कर दूं ठीक है सेट ऑफ मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस फैक्ट्री कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो ऑब्वियसली मेरे को जो कॉस्ट मिलेगा सब लोग जरा बोलो कितने यूनिट्स का कॉस्ट मिलेगा मेरे को जो कॉस्ट मिलेगा कितने यूनिट्स का कॉस्ट मिलेगा सर फिफ्टी टू यूनिट्स का दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओके तुम लोगों ने 52 यूनिट्स ही बेचा ना यार ओके okay. तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ऑब्वियसली दिस इज प्रॉफिट दैट यू गेट बिकॉज यू सेल ओके अब जरा सोचो दिस विल स्टार्ट टू मेक सेंस यहां पे आ गया सेल्स तुमको सेल्स क्यों मिलता है सर क्योंकि हम लोग गुड्स बेचता है इसको इसको और इसको अगर सेट ऑफ कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ दो माइनस उन्हीं गुड्स का कॉस्ट विल बी गिविंग यू प्रॉफिट तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है तुमको क्यों मिलता है बिकॉज ऑफ गुड्स सोल्ड इतना चीज मैं तुम लोग को क्यों बोला क्योंकि मेरे को नेक्स्ट चीज तुम लोगों से चाहिए था दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट उसके अगेंस्ट हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और एसएनडी डाल देते हैं

वो किसका पार्ट हो जाता है फैक्ट्री ओवर का यू ऑल आर अवेयर नाउ सो दिस विल गेट डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स अपार्ट फ्रॉम दैट दिस ऑल्सो क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव बीन ऑफ ऑफ अगेंस्ट योर ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड इज रिजल्ट क्वांटिटी सोल्ड ठीक है अपना पॉइंट नंबर टू खत्म हो गया पॉइंट नंबर वन का एक छोटा सा पार्ट वो बाकी है वो मैं अभी यहां पर खत्म कर रहा हूं बराबर से सुनना अभी यही वाली कॉस्ट शीट ओके यही वाली कॉस्ट शीट पूरी की पूरी ठीक है थोड़ा सा चीजें मैं रब कर रहा हूं अभी इन दिस केस बराबर से सुनना दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट नहीं कॉस्ट एट सॉरी कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लोअर अभी मार्केट प्राइस तो मार्केट से मिल जाएगा ठीक है कॉस्ट का मतलब डेबिट साइड पे देख ले और डेबिट साइड पे तेरे जो भी कॉस्ट है डेबिट साइड पे तेरे पास जो भी कॉस्ट है बेटा वो तो फैक्ट्री कॉस्ट ही है और फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर कौन कौन से तेरे खर्चे आए तो फैक्ट्री कॉस्ट इधर था इसके अंदर कौन से कौन से खर्चे आए रहेंगे जो भी डेबिट साइड पे जो भी डेबिट साइड पे मतलब डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिस एंड फैक्ट्री ओवर हिड्स ओके सो दे इन शॉर्ट तुम्हारा फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर ओके मार्केट प्राइस तो चलो ठीक है लेकिन कॉस्ट के अंदर कौन कौन से कॉस्ट आएंगे बेटा डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा डायरेक्ट लेबर आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा ठीक है दिस इज एंड ऑफ वट एवर आई हैड टू ट्राई टू टेल यू ऑल मेरा जो भी कंक्लूजन था वो खत्म हो चुका है लेकिन 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 इतना याद रखना यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब वो नहीं होता है जो कॉशीट के अंदर होता है वहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूड्स दैट और यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड्स दैट दैट यू ऑल आर अवेयर ठीक है चलिए तुम्हारा जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो हो गया मेरे को तुम लोग को जो भी वहां से तो वो सिखाना था वो तुम लोग को सिखा दिया मैंने ठीक है अभी मेरा क्या एम है एक फाइनल एम है मेरा फाइनल फाइनल उससे पहले एक छोटा सा तो वो रिकैप देता हूं फाइनेंशियल अकाउंट्स का ठीक है क्योंकि कॉशिड अभी तुम लोग को याद हो चुका है लास्ट लेक्चर के बाद डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिस एंड फैक्ट्री ऑल ऑफ देम आर इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स डब्ल्यू आई पी ठीक है उसके बाद ओपनिंग स्टॉक स्टॉक ऑफ ऑफ लेस क्लोजिंग दिस यू नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर सिंपली फैक्ट्री कॉस्ट वो चीज यहां पर जाता है ऑब्वियसली दिस ओनली रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्योंकि डब्ल्यू आईपी तो ऊपर अटक गया ठीक है उसके बाद एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ठीक है तो अगर मैं इसको इसको और इसको आपस में सेट ऑफ कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सोल्ड जो यहां पर किधर दिखाई नहीं देता लेकिन ऑब्वियस है वो चीज ओके okay. उसके बाद सेल्स आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आ जाएगा उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर उसके बाद तुम्हारा फाइनेंशियल एक्सपेंसिस फाइनेंशियल इनकम्स नेट प्रॉफिट ठीक है बोथ ऑफ देम आ रिटर्न ऑफ अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट इज रिजल्ट ऑफ क्वानिटी सोल्ड तो इनका अगर अपने को कभी पर यूनिट बोला होगा अगर कभी अपने को इनका पर यूनिट बोला होगा ऑल दो फाइनेंशियल अकाउंट के तुम लोग कभी भी पर यूनिट वो नहीं निकालते हो लेकिन अगर इन दोनों का पर यूनिट निकालना होगा यू विल ऑलवेज डिवाइड बाई क्वान्टिटी सोल्ड अगर इन चारों का पर यूनिट निकालना होगा यू विल ऑलवेज डिवाइड बाई अभी तो बोलो

मार्केट प्राइस मार्केट से पता चल जाएगा और कॉस्ट का मतलब डेबिट साइड पे देख लेना तो डेबिट साइड मतलब तुम्हारे पास यहां पे अभी तक अभी तक तुम लोगों ने यहां तक कौन से कौन से कॉस्ट इसके ऊपर लिखे हुए हैं डेबिट साइड पे देख लो चार ही तो कॉस्ट लिखे हुए हैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिस फैक्ट्री ओवर ओके चलिए ये चीजें ना अभी आप लोग को भूलने नहीं वाला है फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस ना ये वाली जो सारी की सारी चीजें हैं हैव रिगार्डिंग एनी टाइप स्टॉक वैल्यूएशन ठीक है तो अभी मेरे को चाहिए कि तुम लोग अपना दिमाग यूज करो तो अभी क्या करना सुनो तुम लोग ध्यान से सुनना। तुम लोग ना ये सारे के सारे अकाउंट फॉर्मेट को टी फॉर्मैट के अंदर कन्वर्ट करो <coughs> सॉरी ये सारे के सारे अकाउंट फॉर्मैट को तुम लोग कॉस्टीट के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करो अभी इस वक्त ये वाला वीडियो पॉज करना ठीक है पांच मिनट के लिए और रफ के अंदर ना अभी एक अपना बनाना वो क्वेशीट लेकिन इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाना ठीक है अगर तुमको समझ में आ रहा है तो ठीक है वरना इन एनी केस आई एम आल्सो गोइंग टू बी डूइंग इट ओके मतलब क्या है जो तुम्हारा क्वेश्चट था ना कल वो एक स्टेटमेंट फॉर्मेट था ठीक है वो एक स्टेटमेंट फॉर्मेट था मेरे को क्या चाहिए अभी जो मैंने तुमको अकाउंट अभी सिखाया ना इस अकाउंट के हिसाब से अगर हम लोग इसी चीज को एक स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे मतलब के अंदर कन्वर्ट करेंगे टाइप शीट, शीट के अंदर तो फिर वो वाला स्टेटमेंट कैसे लगेगा ठीक है इस वक्त पांच मिनट के लिए वीडियो जो है पॉज कर लेना एंड देन यू ऑल चलिए पांच मिनट तुम्हारे बीत गए अभी देख लेते हैं कि तुम लोगों ने जो भी किया करेक्ट किया या नहीं किया इफ यू कुड डू दैट इफ योर आंसर इज करेक्ट मतलब यू आर ब्रिलियंट ओके सुनो बेसिक कॉस्ट शीट बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिंसिपल ठीक है बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल अकाउंट प्रिंसिपल ठीक है अब जरा देखना बराबर से देखो तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आया ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक तो दिस विल गिव यू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ठीक है उसके बाद डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट लिख सकते हैं उसके अंदर कोई बुरी बात तो नहीं है

फैक्ट्री कॉस्ट जो क्रेडिट साइड पे हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर फिगर लिया था ये वही वाला तो है 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 ठीक ठीक अभी अभी उसके बाद जरा सोचो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया है? अभी फिर से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जा रहा हूं ये वाला जो फिगर है सीओजीएस तो, तो इसलिए जब हम लोगों ने इसी अकाउंट को फॉर्मेट दिया तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर जरा देख लो मैंने क्या कर दिया एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यहां पर क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ सोल्ड ठीक है अभी लास्टली मैंने कुछ अलग भी किया लेकिन उससे पहले जो अलग नहीं किया जो तुम लोगों को स्ट्राइक हो जाता उसके बाद मैं पहले ना सारे के सारे कॉस्ट इकट्ठे कर रहा हूं उसके बाद सेल्स वाला फिगर एडजस्ट करके प्रॉफिट लेकर आऊंगा ठीक है तो अब जरा सोचो सीओ जी एस के अंदर दो ही तो कॉस्ट बच गया कौन सा वाला जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस एक्सपेंसेस उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट तो अपने को कौन सा सेल्स मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया ठीक है उसके बाद एड प्रॉफिट और उसके बाद यहां पर क्या मिल गया बेटा सेल्स ठीक है तुम लोग को ये वाला कॉस्ट शीट खुद ब खुद बना लेना चाहिए था मेन तुम लोग को यहां पर एक ऑप्शन दे सकता था जो अगर आप लोग चाहो आप लोग कर सकते थे COGS के अंदर COGS इज योर नेट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ finished गुड्स less क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished गुड्स ओके दिस इज नेट ऑफ those पर्टिकुलर फिगर्स ओके अगर आप COGS के अंदर डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट add कर दो तो तुम लोग को वैसे भी यहां पर क्या मिल जाएगा सेल्स या फिर आप लोग ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो या फिर इसके बदले में ये वाला तीन लाइन फॉलो कर सकते हो मीन्स वन एंड द सेम थिंग ओके दोनों के अंदर एज सच यहां पर कुछ भी फर्क नहीं है ठीक है दिस इज योर फाइनेंशियल अकाउंट्स बट इन अ कॉस्टशीट मैनर ओके ऑब्वियसली तुम लोग को समझ में आएगा कि यहां पर फैक्ट्री ओवर एड्स के ना वो वाला एक्सपेंस हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया इसलिए यहां पर कोई वैसा अलग से हेड ही नहीं आया ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस एनडी ये पहले भी अगर कॉस्टिंग प्रिंसिपल भी फॉलो करें तो भी ऐसे रहते थे फाइनेंशियल अकाउंट प्रिंसिपल्स भी फॉलो करें तो भी ऐसे रहते हैं

हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर अभी तक बेसिकली क्या किया कि हाउ इज योर कॉस्टिंग प्रिंसिपल डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिंसिपल्स ओके हाउ आर योर कॉस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल प्रिंसिपल बेसिकली दे आर डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स फॉलोइंग थिंग्स मतलब मैं अब बोल रहा हूं कॉस्टिंग के अंदर फाइनेंशियल एक्सपेंसिस या इनकम नहीं आता फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर तो आ जाते हैं सर रॉ मटेरियल स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ट पर डब्ल्यू आई पी स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट अंडर बुद्ध कॉस्ट का मतलब बदल जाता है फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट अंडर कॉस्ट अकाउंट इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर अंडर फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब वहां पर क्या हो जाता है डीएम प्लस डीएल प्लस डी प्लस फैक्ट्री ओवर लेकिन वो फैक्ट्री के ना वो वाला चीज एक्सक्लूड हो जाता है लेकिन डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिस और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स और यहां पर फैक्ट्री ओवरेज इंक्लूड ओके okay. मैंने ये वाला चीज मेरे ख्याल से इतनी बार वो बोल दिया तुम लोग को ये वाला समझ में आ जाना चाहिए था ओके दिस इज योर Analysis, which is to the greatest that you can be getting, if you ever have to be knowing sir how to value stock, every expenses depend on upon what quantities. theek hai mera kaam yahan par ho chuka hai मेरा काम जब यहाँ पे हुआ, एक तुम लोगों को आखरी चीज़ में दो रों बोलूँ क्योंकि next lecture के अंदर we shall be starting with, we shall be starting with the sum on costing. ठीक है? जब आप sum on क्वेशीट uh, स्टार्ट करोगे ना तो बस सम स्टार्ट करने से पहले ओके सम स्टार्ट करने से पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो अपने पास चार क्वांटिटीज रख लेना और फिर अपने प्रॉब्लम स्टार्ट करना ये चार क्वांटिटीज जो है ये कौन सा है आई वॉन्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्वांटिटी ठीक है आई वॉन्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस

आप अपने मन के अंदर एक ऐसा चीज सोच सकते हो आप अपने मन के अंदर एक ऐसा चीज सोच सकते हो एक ना ट्रेडिंग अकाउंट अपने दिमाग में बना सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट अपने दिमाग के अंदर ही बनाना ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्वांटिटी लिख देना उसके बाद क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स लिख देना तो अब जरा सोचो अगर मैं वही वाले नंबर्स आप लोगों को बोलूं जो मैंने आज तक बोला मैंने इस साल 50 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाया ठीक है 10 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स मेरे पास शुरू में था जब ये वाला साल खत्म हुआ बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला फिगर सपोज एट था तो ऑब्वियसली बाकी 52 के साथ क्या हुआ रहेगा सर दे वुड हैव बीन सोल्ड सो दे दिस इज बाय क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स आप लोग ऐसा एक ट्रेडिंग अकाउंट जो है अपने दिमाग के अंदर तैयार कर लेना तो तुम लोग को बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा तुम्हारे पास ये है ये है और ये है दैट टाइम एट कैन बी योर बैलेंसिंग फिगर अगर तुम्हारे पास यहां पे एट है फिफ्टी टू है टेन है देन फिफ्टी कैन बी योर बैलेंसिंग फिगर ओके तो बेसिकली मेरे को चार चीजों की जरूरत है कौन सी चार चीजों की ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स उसके बाद क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स चार में से अपने पास कोई भी तीन होएगा चौथा कैन बी योर बैलेंसिंग फिगर आल्सो ठीक है No, हम लोग क्वेश्चीट के सम्स के लिए वी ऑल आर रेडी नाउ ठीक है अपना फर्स्ट क्वेश्चन एक बार खत्म हो जाएगा ना तुम लोग को एक चीज वो हंड्रेड परसेंट लगेगा सर इससे इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है सर दिस इज इजी एंड दिस इज अ मैनेजेबल सब्जेक्ट वेयर बाय वी कैन स्कोर अराउंड नाइनटी प्लस आल्सो ठीक है टुडेज लेक्चर विल बी स्लाइटली स्मॉलर क्योंकि मेरे को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना क्वेश्चनशीट का फर्स्ट सम करना है वट आई वॉन्ट यूल टू डू फॉर होमवर्क इफ यू ऑल कैन एक रफ पेज के अंदर क्वेश्चनशीट बनाना बेस्ड अपॉन कॉस्टिंग प्रिंसिपल ओके उसके बाद एक और बार क्वास्टशीट बनाना बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल अकाउंट प्रिंसिपल मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और पीएनएन अकाउंट को अगर कॉस्टशीट कहना कन्वर्ट किया तो क्या दोनों क्वेश्चनशीट के नीचे तुम लोग को इतने कंक्लूजन लिखने सर रॉ मेटीरियल स्टॉक इज वैल्यूड एट वॉट डब्ल्यू आई पी स्टॉक इज वैल्यूड एट वॉट उसके बाद फिनिश गुड स्टॉक इज ऑल्सो वैल्यूड एट वॉट है अंडर बोथ द सिस्टम्स अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस केस एक और चीज एवरी एक्सपेंस इज क्वांटिटी तुमको ये सब करना है आज के होमवर्क के लिए तुम्हारा दिस एंटायर चैप्टर विल बिकम सुपर इजी इफ यू ऑल डन दिस ठीक है हाई गैस वेलकम टू द टिप ऑफ द डे हर चैप्टर के एंड में और हर चैप्टर के हर लेक्चर के एंड में देर विल बी टिप्स प्रोवाइडेड 15 चैप्टर्स आई हैव गॉट 15 टिप्स फॉर यू ऑल और हर लेक्चर के एंड में ऑफ द सेम चैप्टर सेम टिप विल बी दे ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर भी रहे टुडे वी आर बी हैविंग द फर्स्ट टिप एंड समथिंग फॉर मी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स एंड योर टाइम दैट यू डिवोट टू योर स्टडीज आर नॉट प्रपोर्शनल टू ईच अदर कई लोग 16 घंटे पढ़कर भी पास नहीं होंगे कई लोग 8 आवर्स पढ़ के भी रैंक लेकर आ जाएंगे इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन हाउ गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस इज इट इज ऑल अबाउट वॉट योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज वेन एवर यू आर ट्राइंग टू बी स्टार्टिंग जो भी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके करो इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे इन लाइफ इन ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ एट आवर्स कट योअर सेल्फ आउट फ्रॉम मेनी थिंग्स अगर आप एट आर्स का टारगेट रखे हुए हो तो एट आवर्स बाकी चीजों की तरफ मत सोचो तुम्हारा फ्रेंड्स कितना पढ़ाई कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर क्या मूवी आ रही है कीप ऑल थिंग्साइट इट इज एट आवर्स दैट यू अ गुड बी गिविंग टू योर स्टडीज पर डे इफ यू अगुन बी गिविंग फॉर एट आर्स मोर द बेटर लेकिन मोर के चक्कर के अंदर अपना क्वालिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन खराब नहीं करो स्टडी इन अवाइजर वे जितना पढ़ाई करते हो उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करो ऑनेस्टली फॉर मी एट टू टेन आवर्स इज मोर देन अफ फॉर यू ऑल टू बी गेटिंग अ रैंक ऑल्सो इट्स ओनी दैट हाउ यू आर स्पेंडिंग दोज एट टू टेन आवर्स विदाउट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स

This is the answer to all those students. Thank you, guys. I'll see you all with the tips of the day now in chapter number two. Bye. You can also enroll for our other subjects of CA Foundation, CA Inter, CA Final, by visiting either www.ajnext.com